ठीक है, अभी आप दो ही स्टूडेंट फिर दोबारा आए हो ना, तो ये जो आप अनस को कॉल कर सकते हो, आप बिलाल को कॉल कर सकते हो, तो कॉल करो और फिर इधर लिख के बताओ, या थोड़ी देर के लिए अपने आप को अनम्यूट करो, फिर आप बताओ। अगर ये काम कर रहे हो जो मैंने कहा, तो 3 तो लिख दो कम से कम। तो कर रहा है, सेंड ईमेल टू क्लास है ना, सेंड SMS टू क्लास नहीं है। अच्छा चलो यार, हम पढ़ देंगे, थोड़ा तुम लोग ही पढ़ते रहो। एब्सेंट लगेंगी, दो एब्सेंट लगेंगी ना, खामा खाएंगी, फिर पता चलेगा। ईमेल मैंने की हुई है। अरे एक बात बताओ, तुम दोनों फोर फोर लिखना, अगर मेरी बात का आंसर यस देना चाह रहे हो। दोनों को ईमेल मिल गई थी, तुम दोनों को ईमेल मिल गई थी। हाँ तो सही है, अब वो दोनों ईमेल ही नहीं देखी होगी ना। अरे ये देखो, ये अब हम देख रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ क्यूज देख रहे हैं, सही है। इसके अंदर जो है वो व्हाट्सएप पे ग्रुप होना चाहिए क्लास का ना, वही। अभी मेरे पास व्हाट्सएप पे एक बंदा ऐड है एज CR, तुम लोगों की क्लास का नहीं, लेकिन उससे लिंक है दूसरे क्लास का ना, वही नहीं उठा रहा, फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने व्हाट्सएप पे भी करा, मैंने उस पर भी करा। नहीं बना लो, लेकिन मसला वही है ना कि बनाने के बाद वो बंदे भी तो अवेलेबल हो, आप बना रहे हो व्हाट्सएप का, तो फिर वो बेकार है ना। अच्छा अगर मैं भी दोबारा SMS तो भी करता हूँगा, करता हूँ क्लास, तो लोग ये 727, ये 722, सही ये मैंने चेक करा, सही ये सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट में लिखा कम इन क्लास, कम इन क्लास, ठीक है। और उसके बाद ये लिखा, अच्छा इनविटेशन लिंक भी मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी इन्विटेशन लिंक, ठीक है। ये जो है हमने ये डिसेबल कर दिया, हमने करा कंट्रोल V, ठीक है। अच्छा मैंने सेंड कर दिया, अब ये पूरी क्लास को गया, ठीक है। अभी आपके सामने मैंने दोबारा भी मेल कर दी, सेंड ईमेल टू आ क्लास, सही है। अभी आप लोगों की आईडी आप चेक करो, आप लोगों के पास आया ईमेल कोई? हाँ तो दूसरे लोगों के पास भी जाएगा। अच्छा यार ये देखो, अब छोड़ो छोड़ो, थक गया मैं कर करके ना, ये ऐसे होता नहीं है, कुछ भी करोगी ऑप्शन एक के बाद दो लगेगी, फिर यही चीज़ जब वो काउंट भी होगी ना, तो फिर खुद ही उनको एहसास होगा। आप लोगों का बस ये फर्ज है कि कोई व्हाट्सएप का पुराना ग्रुप है जिसके ऊपर कोई एक बंदा भी मौजूद हो, उसमें जाके चेक करो, अगर आपके जहन में आ रहा हो उसको पर्सनली इनबॉक्स के ऊपर जाओ और बल्कि उसको उसी नंबर उसका नंबर उठाओ और वहाँ पर कॉल कर लो। और थर्ड सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर के ऊपर जो है ना वो इतना होता है कि लोग एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं, या जानते हैं, या डायरेक्ट नंबर भी नहीं होता तो इतना होता है कि उसके बंदे एक जानने वाला होता है उसके ग्रुप में,
उसका नंबर होता है, उसके थ्रू मैसेज वायरल पहुंच जाता है, मैसेज रुकता नहीं है। खैर अच्छा, हम इसको देख रहे हैं कि स्टैक हम लोगों ने, हाँ तो स्टैक के अंदर देखो ये है आपके पास है पुश एंड पॉप है, ठीक है, एक्सक्यूज है सॉरी। तो इसके अंदर हमने फ्रंट और रियर देख लिया था, बस आपने ये याद रखना है फ्रंट के अंदर जो है वो हमारे पास हमेशा रिमूव होता है। इसमें आपको ऐसा लगेगा, उल्टा लगेगा कि फ्रंट है तो इंसर्ट होगा, नहीं, फ्रंट है तो रिमूव होगा और रियर है तो इंसर्ट होगा, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। और साथ में जो है वो ये, क्योंकि ऐसी गलती है कि जो आप लोग करोगे वहाँ पे पेपर के अंदर, तो पेपर के अंदर जो नंबर जाते हैं वो गलती से जाते हैं, सही है, एक ना आने से जाते हैं और एक ज़रा सा वहाँ पे ध्यान से सोच सोच मतलब आप सही तरीके से नहीं सोच रहेंगे या जहनी तौर पे आप जो है वो हाजिर नहीं है तो अभी नंबर जाते हैं। खैर देखो ये छोटे छोटे नंबर होते हैं पेपर के अंदर बनते हैं, ये छोटे छोटे, अब मुझे कहा है मतलब मैं पेपर बनाऊंगा तो पेपर में तो मैं यही बोलूँगा ना कि इसी में से देखूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल पीक है तो पीक फंक्शन जो है वो आपके फर्स्ट एलिमेंट रिटर्न करता है, क्यू के अंदर जगह सबसे पहले सबसे जो फ्रंट के ऊपर अब होगा उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो अब ये पीक मैंने वहाँ पे पूछ लिया तो जाहिर ही बात है आपके जहन में होगा तो आप बताओगे। अच्छा दो तरीके होते हैं जहन में, एक जब टीचर समझा रहा हो तो आप रख लें समझ के, वो सारी ज़िंदगी आपके काम आता है, और एक ये होता है टीचर समझा रहा है तो दिमाग ही नहीं लगा हुआ वहाँ पे, कहीं और दिमाग है, अब बैठे मिड टर्म से पहले टाइम होते होते रात 10 बज गए 11 बज गए, अरे यार अब तो रात भर जागना पड़ेगा। ठीक है गुड, अनस को मैसेज कर दिया, तो अब रात भर जागना पड़ेगा, रात भर जागे तो उसमें सुबह तक ये जो है ना, सुबह तक जो है वो सब कुछ निकल गया दिमाग से, सुबह तक निकल गया तो फिर वो आंसर कर। यार छोटे छोटे चीज़ों के नंबर होते हैं, छोटी छोटी बातें जहन में रखने के नंबर मिलते हैं, और वही नंबर मिल मिला के ना वो ए ग्रेड तक भी ले जाते हैं। तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे पॉइंट, बस डेफिनेशन पर डेफिनेशन, डेफिनेशन पर डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन जो समझ के, एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा सारे कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन जहन में आ जाएगी, जब सारे कॉन्सेप्ट की आ गई फिर जो है वो आपका एक वर्ड होता है इंग्लिश में स्लेव का, SLAVE, स्लेव, स्लेव तो आपको पता होगा कि किसको कहते हैं, तो फिर सब्जेक्ट आपका स्लेव बन जाता है कि जो दिल चाहे जहाँ से चाहे आप उसके में से आंसर दे सकते हो। ये देखो आप लोग मेरे ख्याल में ये आप कर सकते हो, बहुत आसान सी चीज़ है, थोड़ा थोड़ा टाइम, 10 मिनट दे दिए फिर छोड़ दिया, फिर 10 मिनट दे दिए फिर छोड़ दिया, 10 मिनट देने देने 10 मिनट, लेकिन आप चाहे 2 मिनट दो लेकिन 2 मिनट उधर जहन लगा के दो, इस दौरान आप डिस्टर्ब ना हो किसी भी से ना, असल में पढ़ना है जो है वो इसी चीज़ का नाम है, पढ़ना इस चीज़ का नाम है कि अगर आप 5 मिनट भी पढ़ रहे हो ना तो 5 मिनट में आपका दिमाग उधर ही हो जहाँ आप पढ़ लो, बाकी ये कि आप 5 घंटे भी पढ़ लो तो बेकार है अगर आपका जहन वहाँ नहीं, क्योंकि फिर तो जो अगर 5 घंटे में टोटल टाइम निकालोगे तो वो आपके और बुक बुक के या स्लाइड्स के बिटवीन जो है सिर्फ वो कंसंट्रेशन रिलेशन होती है जो मेंटली आप उसको दे रहे हो तो सोच रहे होते हो डेप लेवल के ऊपर, उसको जो है वो आप इम्प्लीमेंट करो। अच्छा ये हमारे पास देखो क्यू का एप्लीकेशन क्या होती है, ये हमारे पास जैसे बैंक है, बैंक के अंदर लाइन लगी है तो लाइन के अंदर जो है वो आपके पास कैश वगैरह भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक के बिल भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे नॉर्मली ये है कि वो एक रूल है कि जो पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, तो इसको हम फीफो कहते हैं। अच्छा ये रूल हमारी है, जैसे ही वायलेट हुआ मिसाल के तौर पर, एक बंदा जानने वाला आ गया कैशियर का, उसने उसको पहले पैसे दे दिए साइड में ले जाके ना, तो ये रूल की वायलेशन है, फिर वो जो स्ट्रक्चर है वो क्यों वो फीफो नहीं रहेगा, वो फिर हो जाएगा प्रायोरिटी बेस के, आप जो है किसी खास पर्सन को जो है वो प्रायोरिटी दे रहे हो, क्या आप पहले आए होगे, हम रूल छोड़ते हैं, हम आपको जो है वो सर्विस दे देते हैं, तो बात ख़त्म हो गई, फिर ख़त्म ही हो गई बात कि आपका वो जो है ना डेटा स्ट्रक्चर वो फिर फीफो नहीं रहा। अच्छा अगर आप ऐसा करोगे तो जाहिर ही बात है जब आपने इफ के थ्रू ये स्ट्रक्चर बनाया होगा कि जो फर्स्ट कम हो वो फर्स्ट सर्व हो, तो आपने उसी को वायलेट कर दिया, तो जब आपने वायलेट कर दिया तो फिर वो फीफो स्ट्रक्चर नहीं रहा, तो वायलेशन जो है उसके लिए कंप्यूटर का ये जो स्ट्रक्चर है ये बड़ा पावरफुल
पावरफुल इसलिए होता है कि ये कंप्यूटर, ये जो आपने इसको रूल बता दिए, ये उसी को फॉलो करेगा, ये फीफो ही रहने देगा। लेट सपोज ये सॉफ्टवेयर आपने बनाया हुआ है, वहाँ पे चल रहा था फीफो वाला ना, अब आपको पता चला कि मेरा एक जानने वाला आ गया, लेकिन अब रिक्वायरमेंट ये आ गई कि वो जो है आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही उसको हैंडल कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? अगर आपने उसको खुद प्रोग्राम किया हुआ, जल्दी से कोड ओपन करोगे, उसका जो कोड मॉडिफाई करोगे कि यार ये बंदा इसको पहले मिल जाए, ये सर्विस हो जाए और दूसरे बंदे को बाद में मिले। अब जैसे ही आप कोड जो है मॉडिफाई करने के लिए गए, तो इसका मतलब है कि जैसी कोड में मॉडिफिकेशन हुई, जो तो जो बेसिक आपने इफ देन एल्स क्यों के नहीं लगाए थे, वो आपने चेंज किए, तो जैसे ही आपने वो चेंज किए तो फिर वो डेटा स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया, उसका रूल भी चेंज हो गया। तो इस चीज़ को जो है वो हम कंप्यूटर के अंदर, यानी कि जिसको कहते हैं बेयाजनेस, यानी बेयाजनेस का मतलब बेमानी, कि आप जो है वो बेमानी करके किसी और को जो है वो आगे कर दो, तो ये जो है ये हमारे पास अलाउ नहीं होता। तो इसीलिए कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जहाँ पे करप्शन वगैरह ज़्यादा होती है, जहाँ पे जो है वो सिलसिला होता है कि रिकॉर्ड में लाए बगैर जो है वो बात की जाए, वहाँ पे कंप्यूटराइज सिस्टम जो है उसको जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ये कि अपोज किया जाता है, अपोज किया जाता है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब आप इलेक्शन ही में देख लेंगे, इलेक्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक वो हम इलेक्शन चाहते हैं कि जिसके अंदर जो बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन हो, तो सबसे ज़्यादा जो है आपके पास जितने भी सियासतदान हैं वो उसकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर वो बेमानी नहीं कर सकतेंगे, वो वहाँ पे अपने बंदे नहीं बिठा सकतेंगे, वहाँ पे जो है जो यहाँ पे इलेक्शन होता है पोलिंग स्टेशन, तो पोलिंग स्टेशन में फिर उनका रूल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि फिर ईमानदारी शुरू हो जाएगी, फिर जो जिसको जितना वोट पड़ेगा वही आ रहा हो। तो ये जो चीज़ है ये इसलिए जो इसको अपोज की जाती है। ऐसे टैक्सेशन है कि हमारे कंट्री में शुरू से टैक्स नहीं था, टैक्स नहीं था, अब टैक्स बचाने की इतनी ज़्यादा टेक्निक्स हैं कि उनको पता ही नहीं चलता गवर्नमेंट को, और ये जो है टैक्स बचाते रहते हैं, तो ये भी टेक्निक है। और यह सिस्टम की जो है वीकनेस है, सिस्टम ही आपका इतना वीक है। अब यही चीज़ जो है अगर आप देखो इम्प्लीमेंटेशन और कंट्रीज के अंदर, तो सेंट्रलाइज होता है, मतलब कोई ट्रांजेक्शन कोई भी करे उसका जो डेटा है वो फौरन आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस में चला जाता है, तो उसकी वजह से अगेन जो करप्शन वगैरह ख़त्म हो जाती है। ये आपके पास जो रूल्स होते हैं इम्प्लीमेंटेशन, इसकी अपोजिशन ऐसी की जाती है, और हम इसीलिए तो मतलब ये कि इसको इतना इंसिस्ट करते हैं कि जो भी आपके सिस्टम हो कंप्यूटर बेस्ड हो, क्योंकि उसके अंदर फिर आप जो है ना कुछ चेंज नहीं कर सकते, और स्पेशली आपके पास exe फाइल होती है, यानी कि आपके पास सिर्फ रनेबल फाइल होती है, आपके पास कोड नहीं होता, तो उस सूरत में तो आप कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर के ऊपर हम ये कहें कि हम एमएस वर्ड की जो कोड है उसमें कोई चेंज कर दें, तो वो नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कर सकते कि जब भी हम एमएस वर्ड पे क्लिक करते हैं तो उसका इंटरफेस ही आपके पास ओपन हो जाता है, और जब वो ओपन होता है तो वो ओपन होने के बाद जो है वो फिर उसमें वो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा होता कि मॉडिफाई कोड, ऐसा नहीं आ रहा होता, क्योंकि वो हमें एक्सेस ही नहीं दिए थे उन्होंने, तो इसलिए अब जो भी आपके पास मेन्यू है उसके वो वही रहेंगे। अगर माइक्रोसॉफ्ट ने खुद अपडेट दी तो फिर वो चेंज होंगे, वरना वो नहीं होंगे। यानी आप अपनी हाँ मैक्सिमम आप कस्टमाइज कर सकते हो, कस्टमाइज का मतलब है आप आगे पीछे जो है वो उनको कर सकते हो, ये कस्टमाइजेशन कराती है, लेकिन इसमें भी आप जो है वो इसका कोई फीचर चेंज नहीं कर सकतेंगे उसका कोड के थ्रू, तो इसलिए जो है ये रिस्ट्रिक्टेड होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जब हम बनाते हैं तो, या कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसके एग्जीक्यूटेबल देते हैं रनेबल। जैसे कैलकुलेटर है हमारे पास विंडोज़ में, उसका कोड ही हमें नहीं मालूम क्या है, हम खुद से बना सकते हैं, लेकिन उसका कोड हमारे पास ओपन होके कभी भी नहीं आता। यानी सिंपल बात यह कि उसका जो इफ देन एज है या उसमें कोई लूप यूज हो रहा है वो हमें कभी नहीं नजर आया, तो ये जो है ये एग्जीक्यूटेबल फाइल देने का ये आपके पास एडवांटेज होता है कि कोड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है प्रोग्रामर को, यानी उसमें सिर्फ प्रोग्रामर ही चेंज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये हमारे पास जो है वो इसकी एग्जाम्पल प्रिंटर है, प्रिंटर की एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रिंटर की एग्जाम्पल ये, और ये सुन लो इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर वहाँ, क्योंकि कोई एग्जाम्पल आ गया एटलीस्ट आप दोनों जो मौजूद है वो तो सुन लो, क्योंकि आप ये इस टाइप की एग्जाम्पल लिखते हो ना तो आपका वो जितने भी आधे आधा जो मार्क्स होते हैं वो एग्जाम्पल के होते हैं, कि भाई कोई एग्जाम्पल दे दें, भाई कोई एग्जाम्पल दे दें एग्जाम्पल के बारे। अब वहाँ अक्सर लोग एग्जाम्पल लिख रहे होते हैं आंसर्स पेपर के अंदर, तो एग्जाम्पल जो है वो
दिखते हैं अपने 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 तौर के ऊपर उसी वक्त बना के लिखते हैं जो कि गलत होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल 5 नंबर का मार्क्स है तो जाहिर है तो 5 आए आपकी एग्जांपल के, उसमें गिवन है कि एग्जांपल ज़रूर दें आप, तो 5 ढाई एग्जांपल पे हो गए, 2.5 का वो आपका डेफिनेशन हो गई। तो अगर आप एग्जांपल छोड़ रहे हो गए तो फिर इसका मतलब 50% पे तो आप वैसे ही चले। अच्छा इसकी जो है वो हम बात करते हैं प्रिंटर क्यू की, हम बात कर रहे थे। तो प्रिंटर क्यू जो है, अभी ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और उम्मीद है कि आप दोनों को इसको एडवांटेज होगा, अगर अगर ये इससे रिलेटेड या ऐसी कोई चीज़ पेपर में। प्रिंटर में ये होता है भाई कि नेटवर्क में प्रिंटर एक ही लगा होता है, बहुत सारे यूज़र होते हैं, सब प्रिंट आउट भेजते हैं। तो वहाँ पे प्रिंटिंग कैसे हो, तो वो प्रिंटिंग ऐसे होती है कि जब एक प्रिंट आउट चला जाता है तो वो जब कंप्लीट नहीं होता जब तक उसका दूसरा प्रिंट आउट नहीं आता। एक सेकंड ठहरो। ठीक है, दूसरा प्रिंट आउट नहीं आता, तो दूसरा जब आपके पास प्रिंट आउट नहीं आ रहा होता तो वो क्यों नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आता कि जब तक एक जो है कंप्लीट नहीं हो जाता तो दूसरा जो है प्रिंटर उसको क्यू में रखता है। अब ये क्यू कहाँ होती है, कब ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में बनाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क होता है, वो सर्वर पे होता है, वो सबको कंट्रोल कर रहा होता है ना, तो जैसे जैसे उसके पास रिक्वेस्ट आती जाती है तो वो एक ना क्यू बनाता जाता है। अब इसी पिक्चर में उसकी एग्जाम्पल देख रहे थे या ग्राफिकली उसको देख रहे थे कि वो कैसे बनाएगा। पहला जॉब आया, यहाँ पे आ गया, उसने प्रिंटिंग शुरू कर दी है, यहाँ पे रिमूव लिखा है फर्स्ट पर, ये लिखा प्रिंटिंग पे चला गया। लेकिन अभी ये प्रिंटिंग कर रहा था, एक जॉब और आ गया उसके बाद, अभी प्रिंटिंग ये पहले वाले की चल रही है, एक और आ गया, ये एक और आ गया। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ऐसे ऐसे जो है वो एक क्यूब बनती जाएगी, और जो जी सबसे पहले वाला होगा वो जैसे प्रिंटिंग होगा तो ये जो दूसरा वाला होगा ये इस जगह पे आ जाएगा, इसकी प्रिंटिंग होगी तो ये इससे बाद वाला ही आ जाएगा। इस दौरान जो वो और आपके पास आ भी सकते हैं, सही है, और जॉब आ भी सकते हैं, तो फिर वो आप उस लिहाज से उसको अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरा है हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर। ये एग्जांपल समझ में आई है, किस किस के टू लिख के बताओ, अगर समझ में आई है, सही समझ में नहीं आई है तो 1 लिख के बताओ। क्लास में भी अगर आप ये चाहते हो ना, आपका अभी भी आपका फॉर एग्जांपल आज तक तो बहुत अच्छा ग्रेड नहीं बना और चाहते हो, तो बस ये एब्सेंट ना रुक करो एक बात। दूसरी बात, ये क्लास के 3 घंटों को बड़े इंपॉर्टेंस दो, उसमें आधा आपके पास जो है आधा घंटा से ज़्यादा तो उसी का होता है, ब्रेक का आधे घंटे के लगभग ब्रेक हो जाता है, तो जो 2.5 घंटे बजे उसमें सिर्फ बात सुनो, नोट करो। और आप जैसे हसन है, हसन बिल्कुल नोट नहीं करते, वो अपने जहन से काम करते हैं कि मैं जो हूँ वो याद रखूँगा। तो ये चीज़ जो है ना, ये किलर है, किलर का मतलब मारने वाली चीज़ है, ये इंसान को मार देगी। क्यों, जब आप इतना डेटा लेके जाओगे तो कमरे से निकलते निकलते क्लास के बाद ही जो है ना थोड़ी देर के बाद आपके पास आधा भी नहीं बचेगा, और पॉइंट में बैठते बैठते 30%, दूसरे दिन 10%, बात ख़त्म। तो ये आप गलती ना किया करें। और आप जो है ना, देखें आप पेमेंट कर रहे हैं, आप प्रोफेशनली लेवल पे पर क्लास आपको उस दिन कैलकुलेट किया था 1300 पड़ती है, तो यार 1300 रुपये अभी भी आजकल के ज़माने में मतलब होता तो है ना उसकी कोई वैल्यू। पहले माना कि इतनी महंगाई हो गई कि नाश्ता भी 500 में आ रहा है, लेकिन फिर भी 1300 की वैल्यू है, तो आप उसको 1300 को वसूल करो। और वसूल जब नहीं होते क्लास में, वसूल नहीं होते क्लास में, तो आप नोट करके चले जाते हो, वसूल सिर्फ आपके होते हैं आपके घर जाके। कैसे होते हैं, आपने बस वो उसको ओपन करके देख लिया, इसका मतलब आपने 1300 रुपये अपने कंफर्म कर लिए कि 1300 की अर्निंग कर लिया, क्योंकि आपने जो है वो जो कुछ आज पढ़ा था वो। और दूसरी बात ये है, खुद सोचो यार आप कितने, 6 घंटे 7 घंटे देते, 1 घंटा जाने का, 6 घंटे वहाँ पढ़ने के, 1 घंटा वापस आने का, 8 घंटे के बाद भी अगर आप उसमें से, और 1300 1300 रुपये से भी ज़्यादा लगा लो, 1500 1600 लगा लो, क्योंकि उसमें पॉइंट का भी लगा लो, फिर आप खाना वाना भी खाते हो, तो नियरली वर्ड ऑफ कितना, 2000 तक का डेली का खर्चा है, एक दिन का डेली का 2000 का खर्चा हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो है उस खर्चे को लेके जो है वो आप मतलब वापस आ रहे हो गए। हमने जो हिसाब लगाया था वो लगाया था कि 1300 की एक क्लास बनती है आपके पास, क्योंकि हिसाब के हवाले से आपका एक कोर्स अगर 18,000 का है
तो 18,000 को हमने 15 से डिवाइड किया था, और मुझे याद नहीं कि क्या आंसर आ रहा था, शायद ही 1300 आ रहा था। अभी मैं करके देख लेता हूँ। सही है, ये हमारे पास है 1800, 18,000 सही है, डिवाइडेड है 15, हाँ वही 1200। लेकिन इसमें आप मिड टर्म भी लगा लो तो ये आपको 1300 बन जाएगा। 1300 आप सोचो कि 1300 एक क्लास के, जब आप दो क्लास लेते हो तो कितने बन गए, 2600। अभी एक दिन का मैं आपको बता रहा हूँ, फिर अगर आपके पास 6000 भी लगाओ, आपके पास एक है पॉइंट का, तो 200 और ऐड कर दो तो 2800। और आप कम से कम भी चलो बहुत ही है कि दूसरों के मतलब इस आश्रम में कोई मतलब ज़्यादातर बच्चे होते हैं कि दूसरा खाए तो वो आपको बिखरा दो, तो फिर भी मिनिमम 200 का लगा लेते, तो 3000 का खर्च। राइट, तो बहुत कॉस्टली है अगर आप इसको देखो ना। अब आपको पता इसलिए नहीं चलता कि आप वो सेमेस्टर की फीस तो शुरू में दे देते तो आपको अंदाजा नहीं आता, और वो मंथली दे रहे हो लेकिन डेली बेस पे। अब ये इतना खर्चा करने के बाद आप घर पे आए हो, घर पे आने के बाद अब आप जो है उसको नहीं देखते हो, तो गए 3000 रुपये, 3000 और 8 घंटे जाया, यानी बहुत बढ़िया आपके पास एक फिगर है। और चलो 3000 तो बंदा है, वो तो एक आनी जानी चीज़ है, अगर आप इसको ऐसे लेते हो कि कोई बात नहीं, लेकिन वो सोचो कि आपके पास जो 8 घंटे गए, अब वो 8 घंटे आप कैसे वसूल करोगे, ज़्यादा नहीं, आप 8 मिनट में भी कर सकते हो, अगर बहुत स्पीड से रिवाइज करो तो 8 मिनट में भी कर सकते हो, तो 8 मिनट जो है वो ज़्यादा आपके पास जो है वो एडवांटेजेबल। अगर आप देखो, मैं टीचर हूँ तो अभी आप लोग मेरी बात सुन रहे होगे और बैड लक यही है कि दो हैं यहाँ, लेकिन अगर आप इस बात को मतलब रियलाइज करो एज अ टीचर, ये नहीं थोड़ी देर के लिए सोचो कि मैं जो हूँ वो टीचर हूँ तो मेरे हाथ में अभी पास या फेल करने का सर की बात की हिमायत की जाए, ये वो जनरली बोलो आप लोगों को ये बात जो है वो सही लग रही है या गलत लग रही है, मतलब इसमें ये नहीं देखना कि मैं टीचर हूँ मैं फोर्सफुली कहलवा रहा हूँ, अगर सही लग रही है तो आप जो है वो 1 लिखो, और अगर इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हो तो 2 लिखो, और अगर ये बात गलत लग रही है तो 0 लिखो। क्या वो लिखा ही नहीं किसी ने, आवाज आ रही है? हाँ? अच्छा, हमने 1 लिखा है। और नहीं, तुम लोग इधर उधर हो, तुम लोग इधर उधर हो, तुम्हारा ध्यान जो इधर उधर, इतनी देर में तुम लोगों ने 1 1 लिखा है, इसका मतलब है कि वो ये माइक वो लगा के उस उधर लॉग इन होके थोड़ा बहुत उधर, और दिमाग तुम्हारा इधर उधर भी चल रहा, इधर ही है तो इतनी लेट रिप्लाई क्यों करा, तो फिर तुमने भी बड़ा लेट रिप्लाई करा, क्या वजह थी? तो सियान आवाज आ रही है? हाँ, तो इतना लेट रिप्लाई क्यों करा? अच्छा चलो, अब तुम दोनों चलो, मैं आपको रिपीट नहीं करता मैंने क्या क्वेश्चन करा था, अब ये बताओ जो मैंने क्वेश्चन करा था उसको कुछ लिख के आंसर दो, जो भी मैंने क्वेश्चन करा था उसको लिख के आंसर दो, मुझे पता चल जाएगा तुम लोगों ने जो है सही तरीके से सुना या नहीं सुना। मैंने एक सवाल करा था, उसका जवाब जो है ना एक एक या दो सेंटेंस में लिख के बताओ कि क्या है। हसन आप भी बताओ और सुफियान आप भी बताओ। सही है, इसका मतलब नहीं सुना तो सही है, सुफियान ने तो कुछ लिख दिया। सना आप बताओ मैंने क्या कहा था, जनरल एक समरी बता दो। सही देखो, सान को कुछ पता ही नहीं कि क्लास में क्या हो रहा है, मेरे सवाल भी नहीं समझ में आ रहे कि मैं पूछ रहा हूँ।
है, हसन भी है वो, पता नहीं कहाँ चले। अच्छा सांस, हेलो हेलो 1 2 3। देखो जब इतना इतना जो है वो, नहीं मसला वो ये क्या भी है, आप लोग ना सुफियान ने तो फिर भी सही लिख दिया, मैंने तो कुछ पैसों की भी कैलकुलेशन करके बताई थी। अच्छा देखो भाई ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो है वो हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे ऑब्जेक्ट्स की, सही, और ऑब्जेक्ट जो है वो कनेक्टेड होते हैं पेयर्स के फॉर्मेट के अंदर ना, तो ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ भी है जिसमें आपके पास जो एजेस होती हैं और आपके पास जो है वो लिंक्स या नोड्स होती हैं, सही है। एक होता है वेक्टर, अच्छा वेक्टिक्स जो है आपके पास, वर्टिक्स, हाँ वर्टिक्स जो है वो हम किसको कहते हैं, वो आपके पास जो कोई वैल्यू होती है ना डेटा वैल्यू, उसको हम वर्टिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल इस ग्राफ को मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें वर्टिक्स क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जहाँ पे भी कोई डेटा पड़ा हुआ है जिस पॉइंट पे ना, वो आपके साथ वर्टिक्स कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए हो गया, उसके बाद सी हो गया, फिर डी हो गया, ऐसे जो है वो आपके पास ये सारे वर्टिक्स हैं। अच्छा जो इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो कहलाती है एज। तो ये जो है आपके पास दो पार्ट्स में जो है वो मिलके बनता है, ये वर्टिक्स और एज। एप्लीकेशन इसकी बहुत है, फॉर एग्जांपल गूगल ने, अगर गूगल की तरह कोई मैप वगैरह बनाना हो जिसमें हम जो है वो चाहें कि ग्राफ जो है वो यूज हो जाए, तो उस हवाले से जो है इसकी एप्लीकेशन है बहुत ज़्यादा, कि मैप बनाना है रन टाइप के ऊपर। और मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि फाइंड करना है शॉर्टेस्ट पाथ पाथ, और उसके लिए कोई चाहो तो आप मॉडल बना लो। तो ये जो है हमारे पास ग्राफ की, ये है आपके पास यूटिलाइजेशन, कि ये जो है हमारे पास एक्चुअली जो मैप्स वगैरह होते हैं उसमें काम आ रहा होता है, साथ में ये भी देखता है कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा। अब मैं शॉर्टेस्ट पाथ की आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हुआ चलता हूँ। देखो ये हमारे पास है, यहाँ से हमें जाना है बस करो आई तक। पहली बात तो ये कितने पाथ है ना आई तक, तो पहला पाथ है आपके पास ए से सी पे जाओ, फिर जो है वो आप डी पे जाओ, फिर वो ई, फिर जी, फिर अब जो है वो ई पे, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया पाथ कन्वोल्यूशन का, और दूसरा जो है वो हमारे पास है, ठीक है, ये हमारे पास ए सी डी ई जी आई तक आना है। अब देखो इसमें कितने पाथ जा रहे हैं, सही है, एक जो है वो आपके पास यही पाथ है। अच्छा देखो ए से सी पे गए, डी पे गए, ई पे, एफ पे, आई यहाँ आ गए, ठीक है। ए से सी पे गए, एफ पे गए, एच पे गए, फिर आई पे आ गए, जी और आई के ऊपर आ गए। अच्छा एक एक बंदा गया, उसने ए से सी पे किया, एफ पे गया, ई पे गया, फिर जी पे गया, फिर आई आ गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। एक बंदा गया ए से सी, उसके बाद एफ, एफ के बाद जो है वो जी, ठीक है। तो अब जो है वो हमें जो है इस तरीके से नंबर ऑफ पास मिल जाएंगे। अब ये सवाल पैदा होता है कि जी कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेशन का मतलब है कि आपने शॉर्टेस्ट पाथ, लेट से सबसे शॉर्ट पाथ देखना है। अच्छा नॉर्मली ये होता है, हमारी लॉजिक भी यही होती है ना, कि हम ये चाहते हैं कि जो आपके पास तीन चार पाथ हैं, आपसे कहा जाए कि जी आप जो है वो बताएं कि आप किससे जाएंगे, किस रूट से जाएंगे। तो हमें ये याद रखो हमारी पहली जो प्रेफरेंस होती है वो होती है शॉर्टेस्ट पाथ रूट वाला ना, तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस जो खत्म हो जाता है। तो उसको भी अगर आप जो है ना इस हवाले से देखें तो ये बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
और इसमें जो है वो फिर आप उस लिहाज से उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि अब आपको ये काम जो हम मैन्युअली करें कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो वो किस तरीके से जो वर्क करेगा, तो उस हवाले से ये ज़्यादा हेल्पफुल है आपके। ठीक है, तो हमें तीनों में से बेस्ट पास की कैलकुलेशन मिल जाएगी। अच्छा, लॉजिक क्या रख हो सकता है इस प्रोग्राम का कि फाइंड दी बेस्ट पार्ट, और बेस्ट पार्ट जो है वो किस लिहाज से होता है, वो हमारे पास होता है, आपको अंदाजा है, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से जो हम इसको देख सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। अब आपको लेट सपोज एक आइडिया मैं देता हूँ कि आपने जो है वो प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है? अब आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब पहली बात तो ये कि आप मेरे 7 और 3 लिख के बताओ। ठीक चलो सही है। अब देखो, अब आपने प्रोजेक्ट बनाना है, ये मैं प्रोजेक्ट का भी तुम्हें आइडिया देना हो, को जाए तो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा। देखो, प्रोजेक्ट ये है कि ऐसा आपके पास ये है, ये अभी मैंने पाथ की एग्जांपल दे दी। तो अब आपका सॉफ्टवेयर क्या करता है, यूजर डालता है उसमें इनपुट डेजिग्नेशन, स्टार्टिंग एड्रेस ए, एंडिंग एड्रेस आई, सही है? तो वो क्या करेगा, वो नोड के ऊपर प्रिंट करेगा कि इसके जो पॉसिबल एड्रेस हैं वो ए है, सी है, डी ही पे जाएं, फिर ई पे जाएं, फिर जी पे, फिर आई पे। तो आपने एक ये प्रिंट करा लिया, फिर आपने बोला ए से सी पे जाएं, एफ पे जाएं, एच पे, जी और आई, दूसरा ये प्रिंट करा लिया। तो लेट सपोज आपने पहले तो 5.5 प्रिंट करा लिए। उसके बाद बड़ा इजी लॉजिक है कि जिस पाथ में आपके पास जो है वो सबसे कम एलिमेंट्स आ रहे होंगे ना, उस वो उसके उसका जो पाथ है वो शॉर्टेस्ट होगा, वो आप काउंट लूप के अंदर काउंट भी चला सकते हो। तो ये एक एप्लीकेशन है शॉर्टेस्ट पाथ। पूरी वर्ल्ड में फेमस है, तो इसका आप आराम से प्रोजेक्ट बना सकते हो। और ये एक बच्चे ने बनाया था, उसने क्या करा था, तो उसने तो बाकायदा मतलब विंडोज फॉर्म पे बनाया था, तो उसने एक कार भी मूव होते हुए दिखा दी थी कि ये आपके पास पाथ आ रहेंगे और देखें ये कार हमारी सोर्स से डस्ट है, यानी थोड़ी बहुत उसने एनिमेशन भी कर दी भाई। तो फिर वो ऐसा प्रोजेक्ट बन गया था जो कि ए ग्रेड वाला बन गया था। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि थोड़ी सी अगर आप इसमें ही मेहनत कर लो तो कभी कभी आपके पास इतनी अच्छी आउटपुट आ जाती है कि ये खुद ही आपका जो ग्रेड की तरफ आप जा रहे होते हो। या अगर सिर्फ आपके पास 20 नंबर का है तो 20 में से 20 भी आ जाएंगे, सही है? तो ये आप जो एडवांटेज ले सकते हो। बहरहाल एक प्रोजेक्ट आइडिया था। अब आप जो है डेटा स्ट्रक्चर के तो वैसे तो बहुत है प्रोजेक्ट आइडिया, लेकिन आप जो है वो इसको अप्लाई कर सकते हो। एक है टावर ऑफ ओनाई, टावर ऑफ ओनाई के अंदर ये होता है। खैर ये तो ऐसी चीज़ें कि आप नेट के ऊपर भी सर्च करोगे तो टावर ऑफ ओनाई आ जाएगा। तो उसमें हमें जो है वो एक एक जो है वो डिस्क से दूसरी डिस्क के ऊपर ट्रांसफर करना होता है। सही, मैं ट्राई कर लेता अगर हमें मिल जाए ना। और सही टावर ऑफ होना। अब इसकी जो है आप सीधे सीधे इमेजेस में चलता हूँ। देखो ये इसमें ही होता है, ठीक है? अब ये इसमें देखता हूँ, ये जो है ग्राफिकली भी हम बना सकते हैं इसमें। इस टाइप को इससे कुछ समझ में आई बात? इसमें ये डिस्क होती है, तो ये डिस्क जो है वो आपने इसके ऊपर ट्रांसफर करनी है, इसको ट्रांसफर करनी है, इसके ऊपर ट्रांसफर करनी है। लेकिन साथ में जब आपने ये करना है कि जो ये है ना, कि जो अगर बड़ी वाली है वो हमेशा नीचे रहेगी और जो छोटी वाली है वो आपने कोशिश करनी फाइनलाइज जो है वो ऊपर का साइज वाली है, तो वो जो है वो ऊपर है, बाकी अब हमेशा नीचे है। तो
ये किसान फिर बहुत अच्छी। देखो ये हम ढाई से इधर से इधर लेके जाएंगे। अच्छा ये बनेगा कैसे? ये बड़ा इजी थी, हमें ग्राफिकली थोड़ी बनाना है, हम तो सिंपल। अगर आपको बनाना है, अगर आपको शो करना है, ऐसे भी कर सकते हो, या सिंपल टेक्स्ट में भी कर सकते हो, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ, फिर आपको इसको और ज़्यादा समझेंगे। ये ज़ीरो है, ये मूवमेंट हुई है। अच्छा देखो, इसका सोर्स ये होती है, यानी हम इधर से स्टार्ट करते हैं और टारगेट ये होता है, यानी इस वाले में आ जाए और इसी ऑर्डर में आ जाए, ये टारगेट होता है। जैसे हमारा ये पूरा होता है लास्ट वाले में आने के बाद, तो हमारा जो प्रोग्राम कंप्लीट, गेम कंप्लीट हो जाता है। ये भी गेम की तरह है। प्रोजेक्ट तो 20 मार्क्स